देखिए हमारी जो हिंदुस्तान है जहाँ की जो आयुर्वेदिक पद्धति है सबसे पुरानी है, और जड़ी बूटियों के साथ ही जो प्राकृतिक जो हमारी है पेड़ पौधे हैं जड़ी बूटियाँ उन्हीं से लोग इलाज करते थे, ऋषि मुनि जो थे। और चर्क पद्धति है और भी जाने के वेदों में भी लिखा हुआ इसके इलाज के बारे। तो स्वदेशी जो है आज सारी दुनिया में पॉपुलर हो रही है योगा और स्वदेशी। तो इधर आए थे मक्की मेडिकल एजेंसी वालों के पास, इनका घंटाघर के पास भी एजेंसी है, तो इनके पास हर तरह की जो स्वदेशी आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, इनके पास होती हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ से गुजरा था तो चलो मैंने कहा ये मेरे मित्र हैं, मेरे साथ एमए पढ़ ली टिकल साइंस में पढ़ते थे, तो मैंने सोचा यार अपने दोस्त की आज जहाँ पर बैठे हैं इनको मिलकर चलते हैं। तो मैं चलते चलते इधर आ गया। वैसे तो हम ये कृष्ण भक्त हैं उसी के बारे बात करने के लिए आए थे, लेकिन जहाँ पर देखा तो ये वैद जी बैठे हैं, इधर डॉक्टर बीवी दीक्षित जी बैठे हैं, अभी तो थोड़ी देर पहले यहाँ पर पेशेंट थे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि जहाँ पर जो आते हैं लोग उनको मेडिसिन बताते हैं कि आपको ये आयुर्वेदिक दवाई सूट करेगी। हाँ फ्री कंसल्टेशन है इनकी। आप डीएमसी के सामने मुकीम मेडिकल एजेंसी है जो अपना एक ढाबा है उसके साथ ही, तो जहाँ पर ये फ्री कंसल्टेंसी है इनकी। फ्री यानी कि आपको बताएंगे कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है, क्योंकि एलोपैथिक दवाइयों से कोई ना कोई साथ प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, और जो होम्योपैथिक है बहुत धीरे धीरे स्लो यानी कि बॉडी पर उनका इफेक्ट होता है, लेकिन ये आयुर्वेदिक पद्धति है ये फटाफट काम भी करती है और इनका जो जीवन पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो ये बीवी दीक्षित जी जो डॉक्टर हैं जहाँ पर आयुर्वेदिक हैं आयुर्वेदाचार्य हैं, ये जहाँ पर पहले पेशेंट की नाड़ी वगैरह देखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, चेक करते हैं, और ये कोई फीस नहीं लेते। किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, इंग्लिश डॉक्टर के पास जाएंगे 500-600 फीस होती है, लेकिन जहाँ पर कोई फीस नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि जनता की सेवा करते हैं। तो आप भी कभी चक्कर लगे तो मिल सकते हैं। तो देखिए जहाँ पर इनके पास हर तरह की जो आयुर्वेदिक अलग अलग जो फार्मेसी हैं इंडिया में, इनके पास ज़्यादातर सभी फार्मेसी का इनके पास स्टॉक है। तो मैं प्रवीण जी जो मेरे मित्र हैं मेरे साथ स्कूल में कॉलेज में पढ़ते रहे हैं, तो चलते चलते मैं इनके पास आ गया, तो मैंने सोचा चलो दो चार बातें इनसे भी कर चलते हैं, क्योंकि एक बार क्लॉक टावर पे भी मेरे को मिले थे यहाँ घंटाघर के पास, आज जहाँ पर मेरे साथ हैं। तो प्रवीण जी से मैं पूछना चाहूँगा कि आपने जहाँ पर फ्री कंसल्टेशन यानी कि फ्री सर्विस देते हैं आप समाज सेवा या जो भी, क्योंकि लोग जो हैं एलोपैथिक दवाइयाँ खाने के बाद बहुत जाने के वीक हो जाते हैं, कई तरह के उनको प्रॉब्लम और साइड इफेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं इसके बारे आप ज़्यादा जानते हैं, आपका ये सारा पारिवारिक जो जो ये कार्य देख रहे हैं आपका परिवार, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए आयुर्वेदिक दवाइयाँ और कौन कौन सी कंपनी की दवाइयाँ आपके पास हैं। प्रवीण जी राधे कृष्ण जी, लुधियाना में 1975 से सेवा देते हुए एक ही पैथी में, और वो सिर्फ आयुर्वेदिक में, मुकीम मेडिकल एजेंसीज जो नाम ही काफ़ी है इन हर्बल मेडिसन्स। यहाँ पर लुधियाना शहर में, एक लुधियाना में सेवा ना करते हुए पूरे पंजाब में इवन हमारा यही एक उपराला रहता है, कोशिश रहती है कि अगर कोई फ्री कंसल्टेशन मिल सके किसी को भी, चाहे वो क्लॉक टावर चाहे वो इधर सिविल लाइन्स में, तो हमारे यहाँ वैद एक अनुभवी वैद उपलब्ध हैं, वो पूरी सेवा देते हैं। और उसके साथ साथ उन लोगों को जो मेडिसिन लेने के लिए नहीं ले पाते उनको भी हम फ्री मेडिसिंस भी उपलब्ध कराते हैं उस केस में। तो मेरा आप सबसे यही कहना है, डाबर, झंडू, बैद्यनाथ, चरक, हिमालय हमदर्द, श्री धूत पापेश्वर, जितनी आयुर्वेदिक टॉप कंपनीज हैं इन सब के हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, और पूरे पंजाब में हमारा थोड़ा सा ठाकुर जी की कृपा से एक नाम दिया हुआ है कि आज मुकीम है तो मुमकिन है, मुकीम है तो हर चीज़ मुमकिन है, उस मुमकिन में किसी की कोई भी सहायता, किसी को ज़रूरत हो कोई फ्री कंसल्टेशन फ्री मेडिसिन की, वो कभी भी फ्री ना कहकर निःशुल्क, तो हमें आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर सभी लोग, हम परिवार के सभी लोग इसी सेवा में लगे हैं। धन्यवाद, जय श्री कृष्ण। और देखिए प्रवीण जी ने बताया कि हमारा लुधियाना नहीं पंजाब से भी जहाँ पर जो लोग हैं दवाई के लिए आते हैं, जितना इनसे हो सकता है उतनी ये सेवा करते हैं। बाकी फ्री कंसल्टेंसी जो है इनके जहाँ पर निस्वार्थ सेवा जो है
जहाँ पर वैद्य हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं। तो अभी मेरे सामने एक रिटायर्ड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यानी कि वो गवर्नमेंट एक्स डायरेक्टर हैं। तो अभी वो बैठे बातें कर रहे थे कि मेरे को जे प्रॉब्लम है, 84 ईयर उनकी एल्ड है, एज है। तो एक मिनट में उनसे अभी इधर आ रहे हैं, लगा उधर कैमरा। और देखिए ये अभी इन्होंने जहाँ से मेडिसिन लिया है, चलो ये इधर करते हैं, देखिए खड़े खड़े कर लें। और देखिए की ना चंदन सिंह, देखिए चंदन सिंह जी जो पहले बताओ कहने डिपार्टमेंट जो रिटायर हुए, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज पंजाब, पंजाब डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पंजाब से रिटायर हुए हैं। और यहाँ पर ये देखिए उन्होंने पहले जहाँ बीबी दीक्षित जी से, इधर लगाओ जरा, इनसे कंसल्टेशन की। इन्होंने बताया कि मेरे जो मैंने भी बातें सुनी हैं इनकी कि बलगम बनती है, तो उसके बाद जो मैं अंदर को ले जाता हूँ कौन सी प्रॉब्लम है कौन सी नहीं है, सारा कुछ बताया डॉक्टर साहब से डिस्कस किया। तो जी क्रोनिक डिजीज है, तो कदों तो हम अपना आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहे हो? आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत पहले ले रहा हूँ, इंग्लिश बहुत देर से ले रहा हूँ। अब पहले भी आयुर्वेदिक भी ली थी, होम्योपैथी भी ली है, अभी कोई उसमें नहीं फैला हुआ। तो देखिए जब एज बढ़ती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो आदमी पहले एलोपैथिक लेता है, उसके बाद डिजीज जो होती है क्रोनिक बन जाती है। तो फिर आदमी कहता है यार मैं होम्योपैथिक खाऊंगा, होम्योपैथिक में जाता है, फिर वो कहते हैं यूनानी खाऊंगा। और जब सारा सिस्टम ही आपका मेटाबॉलिज्म ही खत्म हो गया, ख़राब कर लिया आपने अंग्रेजी दवाइयाँ खा के, या तो पहले आयुर्वेदिक दवाइयों से शुरू करो। आयुर्वेदिक दवाइयाँ क्या है, सादा भोजन खाओ, सात्विक भोजन खाओ तो आप सब ठीक रहोगे। जब आप खाओगे शाम को मच्छी मीट दारू तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। अभी नहीं खाया वो तो। तो अभी फिर आपकी कितनी एज है, कितनी एज है? 84 है फिर तो आपकी एज है। तो आप अभी भी 15 साल तक कहीं नहीं जाएंगे, वो ऊपर वाले को पता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ठीक है, तो आप लोग तो भाई जो जितना भी कर रहे हैं तो नहीं कुछ खाया था तभी जी रहे हो ना लंबी लाइफ। हाँ ठीक है, ठीक है। तो देखिए जो आयुर्वेदिक दवाई अब लेते हैं जहाँ से, तो डॉक्टर साहब ने इनको फ्री कंसल्ट किया तो दवाई जहाँ से ली। और देखिए जहाँ पर सभी मेडिसिन इनके पास जितने भी हैं, मुकीम मेडिकल वाले जो हैं 1975 से जहाँ पर पंजाब में सेवा दे रहे हैं। तो ये प्रवीण जी ने बताया कि हमारे पास हर तरह की दवाई है, और जहाँ पर जो ओरिजिनल दवाई होती है, क्योंकि आजकल बहुत सारी फार्मेसी बन चुकी हैं, बहुत सारे यानी के, और देखिए आजकल मल्टी लेवल जो मार्केट चलती है आजकल, आप इतने मेंबर बनाओ आपको इतने मिल जाएंगे, रात रात सपने दिखा देते हैं। वो सब जो जितने हैं, कोई तुलसी बेच रहा है, कोई पुदीना बेच रहा है, कोई एलोवेरा बेच रहा है, कुछ ना कुछ वो बेच रहे हैं। लेकिन जो इनके पास हैं सारी जो आयुर्वेदिक हैं, 100 साल से जो हमारी फार्मेसी है उन्हीं से जहाँ पर इनके पास दवाइयाँ आती हैं तो जहाँ पर ये सप्लाई करते हैं। तो अभी कुछ हम आपको दवाइयाँ दिखाते हैं, और आपको कभी चक्कर लगे तो आप इनसे मिल सकते हैं। प्रवीण जी होंगे या इनका स्टाफ जहाँ पर होता है, श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरा मैनेजर।